अभी तेरे बगल में जो बैठी है ना उसने भी ऐसे कुछ बोला था, दीदी आज कितनी गिल्ली नहीं कहे थे, ठंडियों का दिन चल रहे हैं क्या, बताओ मुझे है? घर गए थे नहीं गए थे? अच्छा आपको पढ़ा वन से लेके 50 तक काउंटिंग आती है? अच्छा आगे भी आती है? ओहो और रे बेटे कब सीखी? अपने मन से गाना सुनाओ बेटा। आधा गले में छूट जाता है। 79 मैच कर दी। 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 बता रही हो? 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 अरे मैम क्या बोलती, तू होशियार नहीं है? वाह बेटा ऐसी मम्मी नहीं बैठी रहती ना उसके स्कूल में। चिटिंग भी करा नहीं गया, आसानी से नहीं करा पा रहे हो। बनाने की सुना, बनाने की। लग गई गलती से लग गई। लगी ना ऐसे लगी तो नहीं, पता नहीं क्या हुआ। होशियार तो है यार सेम तू। दे पहले एक मिनट दे, वो मेरे पैर पे लग गई ना। विद्या विद्या माफ कर, पेपर में पास कर। क्या देखूं दोबारा दिखा? कौन है वो? कौन है शिवा? उस खिड़की में नहीं है कोई। शम कौन है वहाँ? शम कौन है वहाँ? हवा से खुल रहा है? शंभूत है शंभू। यहाँ सीधे खड़े हो, पहले एक जगह पे बैठ के जवाब दो। बैठ नीचे वहाँ पे, कुर्सी वहाँ पे बैठ। आप बताना, दोबारा पूछूं तेरे से क्वेश्चन पूछूं? हाँ, खिचड़ी में आइसन जाड़ा हमने पहले कब्बो ना देखी, यह तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? ए खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति त्योहार है जिसमें खिचड़ी दान की जाती है और घर में भी। ठीक हो गया।
अब अगला पूछो, बाहर देखने में से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती तो वह समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? वहाँ बैठ, वहाँ बैठ, तूने कहा मैं से कुछ भी पूछ लो, इसके अलावा और सारे पूछ, नहीं तूने कहा ये कुछ भी पूछ लो, ये तो कुछ भी में आता है, तो ये क्यों लर्न नहीं किया बता, जो लर्न नहीं किया वो बता, ये क्यों नहीं लर्न किया? तू पहले बता ये क्यों नहीं लर्न किया, इसमें ऐसा क्या है? लर्न नहीं हो रहा ना, वो अलग चीज है, इधर आ फिर मैं बताती हूँ। कनपट्टी पे और दिशो सीधी, अब गई है, अब गई है, अब गई है। अभी बता काले बादल अपने साथ क्या क्या लाते हैं? काले बादल अपने साथ गुब्बारे, काले बादल अपने साथ गुब्बारे, एक सेकंड एक सेकंड, काले बादल अपने साथ कौन से गुब्बारे देखा, बादल वाला आया, बादल आया, गुब्बारे वाला आया, कि गुब्बारे काले बादल, देखो इसको याद नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं, कह रही काले बादल अपने साथ गुब्बारे लाते हैं, मतलब काले काले बादल अपने साथ गुब्बारे लाते हैं। कौन से काले बादल? होली खेलने आए बादल तेरे साथ, जो गुब्बारे लेके आएंगे काले बादल अपने साथ। पानी, क्या पानी लाते हैं? वर्ण पानी भरकर लाते हैं, वर्ण पानी भरकर लाते हैं। ख्वाजा सरी, ख्वाजा सरी तथा कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? हमारी क्लास में जो सबसे लास्ट में बच्चे बैठते थे ना, उन जैसी लग रही मुझे आज, जैसे वो जो अटक जाते, मैम मैम कहती थी आगे बढ़ो बढ़ो, बढ़ते ही नहीं थे, वैसी हो रही थी। आप सर अभी बढ़ते आगे? नहीं मैं आगे बैठती थी। हाँ मुझे पता है, जो बच्चा बोलता है कि मुझे याद नहीं है उसका मतलब उसे वो ही याद है, और जो बच्चा बोलता है कि ये मैडम ने बोला है कि ये नहीं आएगा, इसका मतलब कि वो उसको याद नहीं हुआ है, इसलिए वो बोला है कि मैडम ने बोला है कि नहीं आएगा, वरना कभी मैडम बोलेगी कि ये बच्चे ये नहीं आएगा, ये वाला मत पढ़ना। वैसे जीके में ऐसा हुआ था, ये देखो इतनी चीटर को, जीके में एक ही आता है, पहले चैप्टर में एक ही, दूसरे चैप्टर में से कुछ नहीं आता, तीसरे चैप्टर पूरा आता ना, ना अलग बात है, ऐसे कैसे मैं ऐसे बोल सकती थी बच्चों ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा? हाँ तो पहले चैप्टर में से ओनली एक ही तो आया था और सारे नहीं आए थे, लेकिन मैम ने ये पूछ लिया करने को नहीं दिया था। अभी तेरे बगल में जो बैठी है ना, उसने भी ऐसे कुछ बोला था, दीदी मम्मी जी ये आज कितने के लिए नहीं कहे थे, ये पूछो। सो कलेंडर लोगों का एग्जाम है, तिशु ने पढ़ पढ़ के हाल बेहाल कर दिया, हाल बेहाल कर रखा अपना। कितना पढ़ लिया तिशु आपने? मैंने कम से कम 7 बजे से पढ़ाई की थी। कितने कितने? 7 बजे से पढ़ाई की थी और ख़त्म हुई मेरी 12, टेन करेक्ट 10, और अभी वो करेक्ट 10 बजे नहीं। हेलो गाइस, आज हम चाली चाली खेलने वाले हैं। कौन सी, क्या खेलने वाले? चाली चाली क्या होता है? एक भूत गेम होता है। नहीं अभी हम कुछ नहीं खेलने वाले हैं, अब हो गई रात तो अभी हम सोने वाले हैं। मस्ती करेंगे, वो तुझे याद रहता है जब मैं बोलती पढ़ाई करेंगे, वो तुझे कभी याद नहीं रहता। मैंने इसको कहा मस्ती करेंगे, इसने सुन लिया, उसको मैंने कहा कि छाया पढ़ाई के दिशा पढ़ाई करके सोचा कह रही हूं पढ़ाई कर रही है दिशा नहीं कर। चलो मेरे बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये भूत कैसे बाय बाय, गुड मॉर्निंग शिवम। सुबह के बज गए 6, दोबारा नाप के जब मैं छोटी हो जाऊंगी, नाप के जैसे हम छोटी हो जाऊंगी दोबारा, नाप के जा जाते नाप के जा, शेम छोटी हो जाऊंगी, प्लीज नाप के जा, मैं थप्पड़ मार दूंगी। ऐसा नहीं होता, शेम पीछे जा, जा शिवम, मैं छोटी हो जाऊंगी, यहाँ जा एक बार वहां जा, फिर जा यार जा, शेम मैं छोटी हो जाऊंगी, अच्छा तो तब क्यों नहीं गए यहाँ से, मेरे ऊपर से निकलना जरूरी था। अरे तो मेरे ऊपर से इतना बड़ा कच्चा पहन के कहा जाता है भाई, पैंट ये कच्चे से बाहर आ जाएगा, दूसरा कच्चे से कच्चा, ये ठंडियों का दिन चल रहे हैं क्या, ये बताओ मुझे है।
अंदर से पता, पहले भी बचपन में भी हम भी यही करते थे, रात को कपड़े पहन के सजाते थे स्कूल के। हम ऐसा तो नहीं करते थे, दुनिया को इंग्लिश हिंदी मैथ्स कंप्यूटर याद नहीं होता, इसे हिंदी याद नहीं हुआ है। तुम हिंदी में फेल हुए थे, हट जा पीछे हट जा, ज़ूम 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 ज़ूम। इंग्लिश में 5, इंग्लिश में 80 नंबर, हिंदी में 41 नंबर। तुम्हें पता, मेरी भी एक फ्रेंड हिंदी में फेल हो गई थी, हम लोगों को लगा ही नहीं, हम कह रहे मैम आप मजाक कर रहे हो। नहीं कुछ नहीं हुआ है, बी फर्स्ट ईयर में इतने बड़े होने के बावजूद हिंदी में फेल। घर गए थे नहीं गए थे? गर्मी जाएगी तो गान आएगी। थोड़े अच्छे से धोके आका बल। अमा जिसको जो अंदर से कच्चा पहन के जाएगा तो वो जल्दी कपड़े उतारेगा, जल्दी कपड़े पहनेगा। हाँ, अब ताकि स्कूल से आगे सीधे उतार के फेंक दूँ। नेकर है भैया। अरे हाँ भैया, श्याम क्या कर दिया? अम्मा से बोल, ऐसे तोड़ रहा पहले हटो। आपका कैमरा तो तेरे को आ रहा है? मैं इसको खींच दूंगी बहुत सारे। रेवन पहले भाई, रेवन पहले क्या बोलते, छाया तो एक बार को, छाया को तो सब याद है, अपने दिशु से पूछो कितना याद है। किचन में कब, रात को? ओ बेट, बर्तन तो तुमने धोए थे उसने कहा। अच्छा तो दिशु कितना याद हुआ तुझे बर्तन धोते धोते? अच्छा, ख्वाजा सरा को अपनी किस बात पर घमंड था? अरे वाह 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 दिसु जी, वाह 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 वाह। हाँ हाँ यही था, पर तूने सुना दिए, बहुत बड़ी बात नहीं, कल नहीं सुना पाई थी ना इसलिए। हाँ यही था, विद्या और बुद्धि पे उसको घमंड था ना अपनी, तो दिसु को याद हो गया फिर है। हम मिठाई विठाई बंटवा लो भैया, मंगवा लो बाजार से, दिसु को याद हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मिठाई तो छोड़ो, दीपक चीनी मोमो मिठाई होती है। दीपक की माँ कौन सी मशीन दीपक की वो है वो दिनेश बता दे, जिसकी भी माँ थी, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी। अरे वाह 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 वाह। दिनेश के बॉल कहाँ गिरी थी? दिनेश की बॉल वो क्राइनी क्यों रे आधा तो उसने बोल दिया दिनेश की बॉल बगीचे में गई थी ना, वही तो वही बता देती, तुझे पता तो है ही, यही है कि जो क्वेश्चन दिया है वही याद होगा। कौन सी गुट्टी पिला के याद करवाया? मुगली गुट्टी 555 55 से तो सबको याद, सब खाते थे, तुमने 56 खाई है। छप्पन बेटा, 56।
बाय शिवम।